हेलो, क्लास में आवाज आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही ना? आप कुछ बोले? हाँ, उनकी आ रही है, इसकी नहीं आ रही, तो मान लो कि कनेक्ट हुआ। अल्लाह अकबर, इनको ऑनलाइन जा रही है लेकिन इनको नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो आवाज आ रही हेलो। लोगों को ऑनलाइन आवाज आ रही है? बहुत स्लो आवाज है, सही लेकिन दिख नहीं रहा कुछ, ये नहीं आप लोग को ऐसी आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी? सफी, हाँ बंद कर दें। अब सही है?
आ जाएगी। अच्छा जी, हमने चैप्टर खत्म करना था, कौन सा वाला? चैप्टर 7 हमने ख़त्म कर लिया था, चैप्टर 8 पे हम थे। चैप्टर 8 बस ख़त्म करना था और हमने डिस्कस किया था। आवाज़ नहीं आ रही, लास्ट पेज रह गया था चैप्टर 8 का। अच्छा, आप लोगों के सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ, फिलहाल जो है आप रीड कर सकेंगी माइक में। इकरा वक्तुब जी, 8 का लास्ट पेज। ये बल्कि तअम्मल अमसिलतल आतिया, अगर आप देखें पेज नंबर है 45। वो उनको आवाज़ सही नहीं जा रही, फिर आप माइक यूज कर लें। पेज नंबर 45, पेज 45। तअम्मल अमसिरतल आतिया, तअम्मल का माना होता है गौर करें। आप तो इसमें जो स्कोर बनाना है अलग जी जी नहीं, अल बैतु फिल बैती मिनल बैती इलल बैती, यानी कि आम अल्फाज में क्या होता है, जब हर्फ जर लगता है तो मजरूर का क्या था कि जब वो अल बैतु फिल बैती मिनल बैती इलल बैती, लेकिन आगे क्या हुआ? जी ऐसे ही पढ़ेंगे, अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा फिल मुस्तशफा मिनल मुस्तशफा इलल मुस्तशफा। तो इसका एराब किस तरह है? तकदीर मबनी नहीं है, इसका नाम हमने क्या रखा था? तकदीरी एराब। तकदीरी एराब है जो कि जाहिर नहीं हो रहा, हरफे जर आने के बावजूद उसमें कसरा नहीं आ रहा, बल्कि उसको हम अल मुस्तशफा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आगे की भी जो दो एग्जाम्पल्स हैं, अमरीका फी अमरीका मिन अमरीका इला अमरीका, व अलमानिया फी अलमानिया मिन अलमानिया इला अलमानिया, तो अलमानिया के आखिर में भी चेंज नहीं जाहिर हो रहा, तो इनको ऐसे एराब को हमने कहा था तकदीरी एराब। ठीक है जी। अच्छा आगे, इकरा वक्तुब, अलमानिया का मतलब होता है जर्मनी। जी कबीर इनकलतरा, हाजत तबीबू मिन इनकलतरा। अच्छा, एक पीछे सवाल था कि अमेरिका अलमानिया में अल नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो कंट्रीज के नाम होते हैं इनमें अल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, इनमें ये थोड़ी ओपननेस होती है, जैसे पाकिस्तान को भी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, अल पाकिस्तान भी कह सकते हैं, अमरीका को अल अमरीका भी कह सकते हैं। आज थोड़ा सा माजरत, यहाँ पे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज़ ऑनलाइन जो है हम सुन नहीं सकेंगे, तो इस वजह से मैं आपको आज रीड करने का नहीं कह सकूंगा। ठीक है जी। किसकी? वो तो सही है, इनकी आवाज़ उनको नहीं आ रही जी। चलो कोई मसला नहीं, आज इंशाल्लाह मैनेज करेंगे जी। इकरा हाज़ा तबीबू मिन इनकलतरा, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर इंग्लैंड से हैं। ठीक
ठीक है जी, ये डॉक्टर इंग्लैंड से है. नंबर टू, ज़हबा हामिदुन इला फ़रंसा. हामिद गया फ्रांस की तरफ, या फिर हामिद फ्रांस की तरफ गया. ठीक है जी. नंबर थ्री, महमूदुन मरीजुन, महमूद मरीज है. वल आना फिल मुस्तशफा, वो इस वक्त या अभी. मुस्तशफा किसको कहते हैं? मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को. वल आना फिल मुस्तशफा, वो अभी हॉस्पिटल में है. सही. नंबर फोर, अब्दुल्लाही इंकल्तरा. ज़हबा अब्दुल्लाही मिन अल्मानिया इला इंकल्तरा. ठीक है. ज़हबा अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला गया. मिन अल्मानिया, जर्मनी से. इला इंकल्तरा, इंग्लैंड की तरफ. अल आना का माना होता है इस वक्त, अभी. जी नेक्स्ट. हाज़र किताबु लईसा, ये किताब ईसा के लिए है. व ज़ालिका किताबु लमूसा, और वो किताब मूसा के लिए है. और ईसा और मूसा दोनों का इराक तकदीरी है. हाज़र मुहंदिसु मिन अमरीका, ये इंजीनियर अमरीका से हैं. ठीक है. अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज को फिलहाल छोड़ दें, इसको हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक रूल है वो हमें ग्रामर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसके साथ हम इसको भी देख लेंगे. यहाँ पे हमें रुकना था, और अब हमें जो है थोड़ा सा पुराना रिविजन करना था. ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन आए हैं, मैं उनको जरा देख लेता हूँ, और उसके साथ साथ फिर हम को भी साथ खोल लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, मैं ऊपर से जरा से क्वेश्चंस देख रहा हूँ. जब पेपर एमसीक्यू आना है तो शीट क्यों प्रिंट करवानी है एमसीक्यू में, तो ऑप्शन पर इसकी. जी, जिनके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं उनको उनको प्रिंट नहीं कराना, और जिनके एमसीक्यू बेस्ड नहीं है उनको प्रिंट कराना होगा. अच्छा, मेरे तीन डाउट्स हैं, प्लीज़ क्लियर कर लें. एक जुमले में खबर एंड खबर मुतालिक दोनों आ सकते हैं, या दोनों में से सिर्फ एक ही आएगा? दोनों आ सकते हैं, मुब्तदा खबर और मुतालिक खबर, ये तीनों जो है एक जुमले में हो सकते हैं. दुरुस्त लोगों में लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज 3 में पीडीएफ पेज नंबर 37, क्या अशमसु जमीलतुन मौसूफ सिफत होगा, जिसमें अशमसु इज मारफा जबकि जमीलतुन इज नकरा. अशमसु जमीलतुन मौसूफ सिफत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मुब्तदा खबर होगा. अशमसु जमीलतुन, क्योंकि मुब्तदा आमतौर पर मारफा होता है और खबर आमतौर पर नकरा होती है. तो अशमसु जमीलतुन मुब्तदा, अशमसु मारफा, जमीलतुन खबर नकरा, और जुमला हो गया सूरज खूबसूरत है. दुरुस्त लोगों, लेसन 8 ऑफ 42 पे पीडीएफ पेज 43, तमारीन में इकरा वक्त 9th एंड 10th में हुआ यूज हुआ है, उसमें कंफ्यूजन हो रही है. मन हाजल वालिदु हाजल वलदु हुआ तालिबु मिन सीनी, इसमें हुआ को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो ट्रांसलेट करेंगे कि वो स्टूडेंट है चाइना से. हुआ तालिबु मिन सीनी, वो एक स्टूडेंट है चाइना से, या वो एक चाइनीज स्टूडेंट है. टेंथ में अज़ालिकल बैदु जदीदुन ला हुआ कदीमुन जिद्दन, इसमें ज़ालिका वो मैस्कुलिन है तो हुआ भी वो मैस्कुलिन होगा. जी, बैत की तरफ इशारा था. ज़ालिकल बैतु, बैत चूँकि मुज़क्कर है, इसने जब उसकी तरफ इशारा किया तो ज़ालिका आया, और जब उसके लिए ज़मीर आई तो हुआ आया. हुआ में ये एंड वो लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज ना हो. एक चीज़ इशारा कर रही है, ज़ालिका या हाजा इशारा करता है,
और जमीर जो है वो उसकी जगह पे आती है, ठीक है। ज़ालिकल बैतु वो घर, और उसकी जगह पे आ गया हुआ। ये जम्मा फतहा और कसरा का डाउट मेरे में। अच्छा, खालतुन, खालतुन होगा सही लफ्ज, खालतुन होगा, खालह नहीं होगा। खालतुन आखिर में जो ता है उस पर तनवीन के साथ हरकत होगी। ऑनलाइन पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन पेपर मुझे इसका जवाब नहीं पता, ऑनलाइन पेपर कैसा होगा। अब्दुल्लाह ही में अब्दुल अल्लाह पर कसरा क्यों होगा? क्योंकि अब्दुल्ला ही मुजाफ मुजाफ इलेही है, ठीक है। मुजाफ इलेही कलिमा अल्लाह मुजाफ इलेही मजरूर, इस वजह से उस पर कसरा आ रहा है। ये नेट बंद हो जाता है कभी एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान अगर आपका नेट बंद हो गया तो कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। मुझे जम्मा कसरा फतहा कब लगाने समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ दो और स्टूडेंट को भी दौड़ है। कितने आर्ट्स का एग्ज़ाम होगा? एग्ज़ाम्स 2 से 2.5 घंटे का होगा। आंसर शीट को आप लोगों को अपलोड नहीं करना होगा, आप लोगों को एक पोर्टल पे एक ईमेल एड्रेस, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, आप उस पर जाएंगे, वहीं पर पूरा पेपर आपके पास लिखा हुआ आता रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर आते रहेंगे, आप सही आंसर सेलेक्ट करेंगे, ओके करते रहेंगे तो वो सबमिट होता रहेगा आपका। टाइमिंग सारे पेपर्स की टाइमिंग पाकिस्तानी हिसाब से 6:30 से 9:30 के हैं, 6:30 to 9 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब आप जिस इलाके में भी हैं आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम सारे ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ MCQ बेस्ड है। हाजा बैतुन, इसमें नाम मारफा और मरफू क्यों नहीं है? नाम का हर्फ है, उसको फिलहाल हम जो है इसकी स्टडी हम नहीं कर रहे, ठीक है। नाम को आप अलग से देख लें और हाजा बैतुन को अलग से देख लें। जवाबी कॉपी आप प्रिंट ना करवाएं अगर आपके पेपर जो हैं वो MCQ बेस्ड हैं। अन्निसाउ सय्यिबातुन, इसका माना क्या है? अन्निसाउ सय्यिबातुन, सूरह तहरीम में आप देखें अन्निसा और सही बात उनका, सही बात उनका वर्ड है, वहां पे क्या माना आ रहा है? हजरत के साथ अगर आप तो अब मैंने होगा ना, उस दिन अफेक्ट करे अगर उसका कम से कम असर आए।
पेपर की टाइमिंग और बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दी गई हैं। आप व्हाट्सएप के ग्रुप को चेक करते रहिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इम्तिहान के दौरान नमाज का ब्रेक होगा, किस तरह होगा, आप अगर घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी जब मर्ज़ी आप नमाज़ पढ़ लें, आपके पास जो पेपर खुला हुआ होगा वो आपके पोर्टल पर खुला होगा, आप जब चाहें उसको सबमिट कर दीजिएगा, आप चाहें नमाज के बाद शुरू करें। 2 घंटे का पेपर का टाइम तो है, लेकिन आपका कोई भी पेपर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 घंटे आपको करने में लग जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए रखा हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई देर से शुरू करे या किसी और का कोई और इशू हो तो वो इंशाल्लाह उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी का एग्ज़ाम मिस हो जाएगा तो उनको कोई ऑल्टरनेट डे नहीं मिल सकेगा। अब्दुल्लाह ग्रामेटिकली जो है वो मुजाफ और मुजाफ इलैह है, पूरा मिला के तो नाम है लेकिन इसके 2 जुज हैं, 2 पार्ट्स हैं। अब्दु अलग कलमा है और अल्लाह ही अलग कलमा है जो कि मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। तो इस वजह से मुजाफ इलैह का एराब चूंकि हमेशा जर रहेगा, इस वजह से जो एराब होगा वो अब्द पे जाहिर होगा, अब्दु अल्लाह ही। कुछ सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये अब्दुल्लाह बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें कहना हो अब्दुल्लाह के लिए तो हम कहेंगे ली अब्दिल्लाही, लेकिन जो कलमा अल्लाह रहेगा वो यहाँ पे हालत जर में ही रहेगा क्योंकि वो मुजाफ इलैह है। आपको टाइप कुछ नहीं करना होगा फर्स्ट ईयर में, आपके पेपर्स में आपको कुछ टाइप नहीं करना होगा। तो आपको रोमन उर्दू में भी कुछ नहीं लिखना, उर्दू में भी कुछ नहीं लिखना, इंग्लिश में भी कुछ नहीं लिखना। आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको ओके करना होगा, तो वो आपका जवाब काउंट हो जाएगा, ठीक है जी। कश्मीर में नेट कभी भी बंद हो जाता है, अगर ऐसा एग्ज़ाम हुआ तो क्या हम अल्टरनेट डे मिल सकेगा? नहीं, माजरत के साथ अल्टरनेट डे नहीं मिल सकेगा। आप लोग फिर अगर किसी पर्टिकुलर किसी ख़ास पेपर में ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह आपके पास ये ऑप्शन होगा कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप उसमें किसी तरह इसको एडजस्ट आपका वो हो जाएगा, ठीक है जी। एडजस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वापस पेपर होगा, यानी ऐसा हो जाएगा कि आप इंशाल्लाह फेल होने का आपका चांस कम ही रहेगा या फिर नहीं ही होगा, ठीक है जी। LMS पर कैसे एक्सेस करें? आपको जल्द जो है इंशाल्लाह एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहले आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहले, ठीक है। जिनके यहाँ अगर वाकईतन ऐसा इशू है कि वो एग्ज़ाम के टाइम इंटरनेट का इशू है या और भी किसी तरह का इशू है, तो एग्ज़ाम देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसके यानी एग्ज़ाम दिए बगैर भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हर जगह की सिचुएशन को अगर हम डील करने लगेंगे तो फिर कहीं का भी हम एग्ज़ाम नहीं कर सकते, तो जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो पा रहा है या हो सकता है हमें वहाँ का एग्ज़ाम करने दें, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा वो एग्ज़ाम्स के बगैर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह, ठीक है जी। नहीं, आप लोगों को PDF बनाकर भी नहीं भेजना होगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा PDF जिनके रिटन पेपर्स होंगे, आप लोगों का सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर्स होगा। मिन हाजा किताबुन, मिन हाजा किताबुन नहीं होगा, लिमन हाजल किताबु होगा, लिमन हाजल किताबु होगा, मिन हाजा किताबुन नहीं होगा। एक मोबाइल से 2 स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं लेकिन उनको अलग अलग टाइम में देना पड़ेगा, एक साथ दोनों का शायद लॉगिन नहीं होगा। और अगर 2 स्टूडेंट्स मिलके एक पेपर करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, फिर उनसे गुजारिश होगी कि वो एक ही स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कराएं और घर पे मिलके शेयर कर लें, और फिर अपनी सनद में भी शेयर करवा लीजिएगा कि ये सनद दोनों ने मिलके हासिल की थी।
ऑनलाइन एग्जाम्स के आंसर शीट्स अगर किसी ऑथेंटिक वजह से, अगर किसी भी ऑथेंटिक वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम की पॉलिसी ये है कि आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, और अभी जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ये 40% मार्क्स के होंगे, ठीक है? तो आपके पास 60% मार्क्स फिर भी रह जाएंगे फाइनल में। अगर आप मिड टर्म किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, या इसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आ पाए, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास फिर भी फाइनल में एक चांस होगा कि आप फिर एग्ज़ाम दे के यानी उसमें आप क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। अब्दुल्लाही अगर हर्फ निदा इससे पहले आ जाएगा तो ये या अब्दुल्लाही हो जाएगा, ठीक है जी। पेपर को LMS पर करना ही ज़रूरी है जी, बिल्कुल LMS पर ही करना ज़रूरी है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। ऑथेंटिक वजह हो गया, कैसे पता चलेगा कि ज़मीर मजरूर किसके साथ लगेगी और मरफू किसके साथ लगेगी? ज़मीर मजरूर वहाँ लगेगी जहाँ पे जो कलमा आना चाहिए था वो हालत जर में आना चाहिए था। जैसे कि अगर मुजाफ इलेही के तौर पे आ रहा है तो वहाँ पे हालत जर में आना चाहिए था, तो वहाँ पे ज़मीर मजरूर लगेगी। और क्या रीज़न होता है हर्फ हालत जर में आने का? अगर उससे पहले हर्फ जर आ जाए, तो अगर हर्फ जर के बाद ज़मीर आ रही है तो फिर वो मजरूर आ रही होगी। हैदराबाद में बारिश और फ्लड्स की वजह से इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ हैदराबाद के स्टूडेंट्स LMS फॉर्म फिल नहीं कर सके। LMS फॉर्म फिल करने का वैसे जो प्रोसेस है वो 1-1.5 महीने से चल रहा है, सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं है। 1.5 महीने पहले भी LMS का फॉर्म ओपन हुआ था, उसके बाद अब वापस हुआ है। अगर फिर भी आपको इश्यूज़ हैं तो अगर अभी LMS खोलेंगे तो फिर वापस फॉर्म फिल कैसे हो जाएगा? अगर एक दिन पहले नहीं हो सका, आज मंडे है, आपका फॉर्म फिल करने का टाइम कल तक था, अगर कल तक नहीं हो सका तो आज क्या बारिश ख़त्म हो गई है? खैर एडजस्ट हो जाएगा कुछ इंशाल्लाह, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने एंड से जिस हद तक मुमकिन हो, अगर हमारे पास 500-600 स्टूडेंट्स हैं तो हम हर किसी का बार बार डाटा अलग अलग से नहीं भेज पा सकते। ऐसा प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमारा एक शख्स बैठा रहे और जब जो स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करें तो हम उनको आगे सेंड करते रहें, ऐसा हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों को हम डेडलाइंस देते हैं, फिर उसका डाटा कंपाइल होने के बाद हम आगे सेंड करते हैं टेक्निकल टीम को कि वो उनके अकाउंट्स क्रिएट करें। इंशाल्लाह कल हम रिवीजन कर लेंगे। आज एक तो वैसे भी क्लास में इंटरनेट पे पहले लैपटॉप का इशू हो गया, फिर दूसरे इश्यूज हो गए, इंशाल्लाह कल हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे पूरे कोर्स का इंशाल्लाह। तो कल हम इस तरह के कोई और चीज़ें इधर उधर की डिस्कस नहीं करेंगे। आज इनको ये मैसेज पहले करना था लेकिन वो शायद किसी वजह से नहीं हो सका है। एहराम मालूम करने के लिए ये कैसे पता चलेगा कि ये बुनियादी इस्म है? बुनियादी इस्म अगर कोई और ऑप्शन में फिट नहीं हो रहा तो वो बुनियादी इस्म ही होगा। जैसे कि अगर जमा मुजक्कर सालिम का एहराम नहीं आ रहा, जमा मुअन्नस सालिम का एहराम नहीं आ रहा, गैर मुनसरिफ का एहराम नहीं आ रहा, यानी बाकी दूसरे एहराम अगर नहीं उस पर अप्लाई हो रहे तो इसका मतलब है कि उस पर बुनियादी इस्म का एहराम लगेगा। पेपर्स के दौरान ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई जी, आपको तो एक हेल्पलाइन के ग्रुप में ऐड किया गया है, उसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको एग्जाम के हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे पूछ सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सिलेबस हमारा क्या कवर हुआ है? हमारे पास 2 नोट्स हैं, एक हमारे पास अरबिक ग्रामर 101 है, उसका हमने चैप्टर नंबर 13 तक यानी 14 से पहले पहले चैप्टर 13 के एंड तक हमने सिलेबस कवर किया है, पेज नंबर 31 तक, ठीक है। और दूसरा ये कि दूसरी जो बुक है दुरूसुल लुगा, उसका हमने जो चैप्टर नंबर 7 है उसके एंड तक जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है जी। सबक के मुतालिक बहुत से सवाल हैं, कब करें? आप कल कर लीजिएगा, वरना आप ग्रुप पे भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप एक आध दिन में उनका जवाब मिल जाएगा आपको अपने पेपर से पहले। गैर मुनसरिफ में बस लोगों के नाम ही आएंगे? नहीं, गैर मुनसरिफ में सिर्फ लोगों के नाम नहीं आते, गैर मुनसरिफ में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मसाजिद, मसाजिद जो कलमा है वो गैर मुनसरिफ है। ग्रुप अभी लॉक है, थोड़े दिनों में खुल जाएगा, जब सारे स्टूडेंट्स उसमें आ जाएंगे, एग्जाम्स के करीब आ जाएंगे तो ये ग्रुप खुल जाएगा।
जी ये जो इन्होंने सिलेबस एक दिया है मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, जज़ाकल्लाह खैरा। अरबिक ग्रामर 101 का टॉपिक नंबर 1 to 13 और दुरुसुल लुगा लेसन नंबर 1 to 7। जी दुरुसुल लुगा मदीना अरबिक बुक सीरीज उसी का नाम है। ठीक है जी, क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड उर्दू। नो हमारा जो टॉपिक है अरबिक का उसमें तो यानी जो भी चीज़ लिखी हुई है आपको अरबिक में ही पढ़नी है, तो उसमें उर्दू थोड़ी बहुत लिखी हुई होगी लेकिन ज़्यादातर अरबी के कलिमात ही होंगे, तो वो आपको अरबिक में ही आइडेंटिफाई करने होंगे, उसका रोमन नहीं है। 13, 13, 1, 3, not 3, 1। ठीक है जी, अब किस तरह की प्रिपरेशन करें, जिस तरह हमने क्लास में स्टडी किया है आप उन चीज़ों की प्रिपरेशन करें, आप नोट्स को रिवाइज करें, नोट्स में जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं मेक श्योर कि आपको वो समझ में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस्म के 4 एतबारात आपको समझ में आते हैं, जिन्स की पहचान कैसे होती है समझ में आता है, एराब कैसे पहचानते हैं वो आपको समझ में आता है, मुख्तलिफ तरह के एराब किस तरह ज़ाहिर होते हैं ये आपको समझ में आ रहा है, सिफत मौसूफ किसको कहते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हुरूफ़ जर क्या कौन से होते हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह किस तरह पता चलता है, मुज़ाफ़ के क्या रूल्स हैं, मुज़ाफ़ इलैह के क्या रूल्स हैं, हुआ ज़मीर जो है वो लिविंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, ज़मायर का ताल्लुक लिविंग और नॉन लिविंग से नहीं है, ज़मीर जो है वो सबके लिए यूज़ हो सकती है, किताब के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है हुआ। अरबी ग्रामर के जो सवाल हैं वो आप इंशाल्लाह कल पूछ लीजिएगा या फिर उसके बाद आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा जो AL1 वगैरह के ग्रुप हैं, या फिर आपके पास जो हेल्पलाइन है आप उनको वो अपने सवाल भेज दीजिएगा तो वो मुझ तक पहुंचा देंगे, तो मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। मुब्तदा और सिफत मौसूफ में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कैसे पता चलेगा दोनों का डिफरेंस? आमतौर पर सिफत और मौसूफ जो है, बल्कि सिफत और मौसूफ आमतौर पर नहीं, लाजमी तौर पर मौसूफ जो है सिफत जो है वो मौसूफ को फॉलो करेगी उसकी वसअत में, अगर मौसूफ जो है वो मारफा होगा तो सिफत भी मारफा होगी और अगर मौसूफ नकरा होगा तो सिफत भी नकरा होगी, जबकि मुब्तदा खबर में ये चीज़ लाजमी तौर पे नहीं होती, बल्कि मुब्तदा खबर में आम तौर पे मुब्तदा मारफा होता है और खबर आम तौर पे नकरा होती है, तो ये एक फ़र्क आ जाता है अंदर में। एग्ज़ाम्स के दिन क्लास नहीं होगी? नहीं, एग्ज़ाम के जो 2 हफ्ते हैं उन 2 हफ्तों में क्लासेस नहीं होंगी। नाम मुब्तदा नहीं है, नाम अलग से एक चीज़ है जो कि अभी हमने स्टडी नहीं की है। ठीक है जी, रिवीजन इंशाल्लाह कल होगा। मसाजिद गैर मुनसरफ कैसे हैं? मसाजिद गैर मुनसरफ इस तरह है कि इस पर तमीम नहीं आती, इसको मसाजिद नहीं पढ़ा जाता, इसको मसाजिदू ही पढ़ा जाता है। ठीक है, मसाजिदू हालत रफ़ा में, हालत नसब में मसाजिदा और हालत जर में भी मसाजिदा। ठीक है, ये गैर मुनसरफ इस तरह है जी। हम जब रिवीजन इंशाल्लाह कल करेंगे तो आपको कोई और भी सवाल हो खबर मुब्तदा सिफत मौसूफ किसी चीज़ के भी हवाले से, तो वो आप पहले से कोशिश करके लिख लीजिएगा कहीं पे और फिर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।